वेलकम टू टेक विला यूट्यूब चैनल। दोस्तों सिक्योरिटी कोड क्या होता है? जैसे कि आपने कई बार मैसेजेस में देखा होगा कि जब आप कोई भी ग्रुप में मैसेज कर रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो बीच में किसी का नंबर जो है अचानक से उसमें लिखा जाता है कि सिक्योरिटी कोड चेंज, टैप फॉर मोर इन्फो। और जब आप टैप करते हैं मोर इन्फो पे, तो आपको समझने नहीं आता कि एक्चुअल में क्या है। तो देखिए मेरे भाई, अगर ऐसा होता है तो उसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये दोस्त कि उसने जो सामने वाले का नंबर दिखा रहा है, इसने अपना व्हाट्सएप जो है वो दो तीन जगह खोल के रखा हुआ है। या फिर दूसरा रीज़न ये होता है कि उसने अपने व्हाट्सएप का जो अकाउंट है उसको एक फ़ोन से अनइंस्टॉल करके दूसरी जगह इंस्टॉल कर लिया हो, या उसी फ़ोन में जो है पहले अकाउंट डिलीट किया हो, हटा दिया हो, और फिर से उसी अकाउंट को वापस से लॉगिन कर लिया हो, मतलब लॉगआउट करके बाहर आ गया हो, फिर से लॉगिन कर लिया हो। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि जब ये बार बार चीज़ें चेंज करता है कोई व्यक्ति, तो अच्छा इसको बनाए क्यों? सबसे पहले सिक्योरिटी कोड चेंज जो है, ये सिक्योरिटी बनाई क्यों गई भाई? तो ये सिक्योरिटी इसलिए बनाई गई है कि आपका जो भी चैट आप कर रहे हैं वो सिक्योर रहे, है ना। अब सिक्योर क्यों किया जा रहा है भाई, क्यों ज़रूरत पड़ रही है? तो इसके पीछे मैं आपको बता दूँ, इसके पीछे कहानी आती है इनक्रिप्शन की। अब आप बोलेंगे इनक्रिप्शन वाला क्या चीज़ होती है? तो मेरे भाई, इनक्रिप्शन जो है एक बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पावन चीज़ होती है। आप ये समझिए कि मान लीजिए आपने किसी अपने व्हाट्सएप से किसी को लिखा हेलो, और हेलो जैसे कि आपने उसको भेजा, तो जब आपने उसको भेजा तो वो सर्वर में उस समय क्या होता है कि ऑनलाइन होता है, जो भी मैसेज हम यहाँ से भेजा वहाँ पहुँचा, उसके बीच में जो है उसको कोई और जो है पढ़ सकता है या उसको हैक कर सकता है। तो इसीलिए जो है एक की, एक बीच में आती है चाबी। चाबी मतलब कि वो क्या करेगा, एच को ABCD लिख देगा, है ना, ई को 123 लिख देगा, एल को कुछ और लिख देगा, ऐसे उसका कोड बदल देगा। इस कोड को जिस तरह से बदला जाता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है एनक्रिप्शन। तो जैसे ही वो कोड बदल देगा, अब जब बीच में वो किसी को मिल भी जाएगा ना तुम्हारा मैसेज, तो वो समझ नहीं पाएगा कि मैसेज तुमने भेजा गया है, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि इसको किस तरह से इनक्रिप्शन किया गया है। और यही इनक्रिप्शन जो करने का तरीका होता है उसको कहा जाता है सिक्योरिटी कोड। तो ये जो सिक्योरिटी कोड है, जिसको जब हम बार बार चेंज करते हैं अपने फ़ोन को या अकाउंट को हटाते हैं, लगाते हैं, तो ये सिक्योरिटी कोड को बार बार जो है व्हाट्सअप चेंज कर देता है, ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे और आपका जो मैसेज है वो दूसरे तक बराबर पहुँचे, है ना, बीच में वो कहीं हैक ना हो जाए और उसको जो है कोई और पढ़ ना ले। तो बस इसीलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सिक्योरिटी कोड है वो इसको इस तरह से बनाया गया है। और जब भी ये सिक्योरिटी कोड का आपका चेंज का ऑप्शन आता है, मतलब समझ जाओ कि सामने वाले ने या तो अपना व्हाट्सएप को रीइंस्टॉल कर लिया है या फिर मल्टीपल डिवाइस में वो चला रहा है। तो कैसी लगी जानकारी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।